ये दो अलग अलग चीजें हैं, संसदीय दल के नेता के रूप में एक भूमिका अदा करना और पार्टी की को नेतृत्व देना, दो अलग अलग चीजें हैं। मुझे लगता है कि पार्टी और संगठन को संभालना इस समय जब पार्टी बिखर रही है, टूट रही है, विद्रोह के स्वर उभर रहे हैं और नेतृत्व उसको ठीक ढंग से संभाल भी नहीं पा रहा है, तब सबसे पहली जरूरत तो पार्टी को संभालने की, एक ठोस नेतृत्व देकर। तो वहां पर अगर राहुल गांधी पीछे हट रहे हैं, जिद में अड़े हुए हैं, प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो ये तो पार्टी का नुकसान कर रहे हैं वो। मतलब क्या वो घबरा रहे हैं नेतृत्व संभालने से कि 2024 में भी हार होगी तो फिर क्या होगा, क्या ये डर है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्रिया पंकज जी, प्रिया जी से मैं पूछ रहा हूँ, फिर आपके पास भी घबरा रहे हैं। उन्होंने चूंकि एक घबरा तो नहीं रहे, प्रिया जी से सवाल। नहीं मुकेश जी, आई एग्री विद पंकज जी कि या तो उनको डिसीजन नहीं लेनी चाहिए थी यात्रा की, एक बार यात्रा जा रहे हैं तो आधे रास्ते छोड़ना भी बिल्कुल मैदान से भागना होगा, तो अभी उनको वापस नहीं आना चाहिए। और एक तौर से प्रियंका गांधी को उन्होंने चुनाव के पहले से ही, प्रियंका गांधी आजकल 10 जनपद में कमरा में बैठती हैं जहाँ पे वो सब लोगों से मिल रही हैं, उन्होंने यूपी से नहीं पूरे साउथ के लोगों से भी मिला है, हर स्टेट से लोगों से मिल रही हैं, और वो ये भी कह रही हैं कि इस बारे मैं एक फैक्शन से नहीं मिलूंगी, यूपी की गलती नहीं दोहराऊंगी, लेकिन सब फैक्शन से मिलूंगी, सब ग्रुप से मिलूंगी, और फिर बाद में इंडिविजुअली मिलूंगी, फिर सबको ग्रुप से भी मिल रही है। तो एक तौर से इन्होंने भाई बहन डिसाइड कर लिया मेरे ख्याल में कि पब्लिक फेस होएगा राहुल गांधी 2024 तक और प्रियंका गांधी को पार्टी संभालना होगा। बीच में ये पार्टी अध्यक्ष का चुनाव आएगा तो जिसमें कोई ना कोई जो भी इनका कैंडिडेट होगा वो सोच रहे थे कि कोई एक प्रो गांधी बट नॉन गांधी फिगर आएगा, जैसे कि अशोक गहलोत का नाम उन्होंने चुना है। और मुझे लगता है कि अभी अभी मैं मानती हूँ कि अशोक गहलोत इज नॉट आउट ऑफ द रेस। अशोक गहलोत जो मेरे खबर आई है और सब बाकी लोगों के पास भी, कि लगता है अशोक गहलोत को चांस मिलेगा कांग्रेस अध्यक्ष का, या वही पर्चा भरेंगे। और राजस्थान में मेरे ख्याल में नाम दो तीन नाम आ रहे हैं कि उनके ही कोई कंसेंसस का आदमी बनेगा, क्योंकि सचिन पायलट में बीच में इसकी हार हो जाएगी, बिकॉज अगर 80 से ज्यादा एमएलए अशोक गहलोत के पास है तो सरकार को गिरा भी नहीं सकते हैं। तो इस तौर से एक फेस सेविंग फॉर्मूला आ रहा है, इसीलिए आज की जो रिपोर्ट आई है उसमें गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है बिल्कुल ही। सोनिया गांधी बहुत खफा थी, लेकिन जो राहुल के करीब लोग हैं वो भी थोड़ा सा आई थिंक अशोक गहलोत के लिए बैटिंग कर रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से कोई फेस सेविंग हुए और गहलोत सीम्स टू बी द बेस्ट चांस इनका। तो इस तौर से राहुल गांधी का यात्रा को छोड़ना मुझे लगता ठीक नहीं है। अभी यात्रा ठीक भी चल रही है क्योंकि साउथ से है, पहुंचेगी गुजरात, वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी अपना गुजरात तो जा ही नहीं रही है। प्रिया जी गुजरात तो यात्रा जा ही नहीं रही है, लेकिन अभी आपने कहा कि प्रियंका पीछे से संगठन को देखेंगी, पीछे से क्यों, वही क्यों नहीं अध्यक्ष बनती? क्योंकि गांधी परिवार के हाथ से ये जो डेमोक्रेसी की बात चल रही है कि हर हार के बाद में कोई ना कोई गांधी परिवार का मेंबर आता है सॉरी बोलने के लिए, तो उनको चाहिए कोई कि ये जो सॉरी फिगर आए और बोले, किसी के सर पे और टिकरा पड़े कि फिर बाद में सबको समझ आए कि गांधी परिवार इज नॉट सो बैड। तो ये उनके लिए अपनी ऑप्टिक्स के लिए करवाना है, इसीलिए वो पीछे से ही उनका बेस्ट होता है। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह का मॉडल उन्होंने देखा है। एक और जो फॉर्मूला भी चल रही है कि कुछ सबसे बड़ा ये सवाल है कि सीएलपी मीटिंग क्यों कराएगी इतनी जल्दी, चुनाव के बाद भी करवा सकते थे, इतनी जल्दी क्या थी कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर पहले बदलेगा और फिर अशोक गहलोत जी चुनाव पर्चा भरेंगे। जैसे कि विनोद जी ने कहा कि क्या पता जीते ना जीते, कांग्रेस में तो काफी चाले चल हो सकती हैं। तो ये अभी तक किसी को बात समझ नहीं आई है। एक एक्सप्लेनेशन किसी ने दिया है, मैं यहाँ रखती हूँ, कोई माने ना माने, कि राहुल गांधी और गांधी परिवार की एक तरफ से टेस्ट था लॉयल्टी, क्योंकि उन्होंने देखा है नरसिम्हा राव और के सीताराम केसरी जैसे ही पद हाथ में आया उन्होंने बिल्कुल अपने रंग बदल दिए। तो यह देख रहे थे कि गहलोत साहब उनकी बात मानेंगे और एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाएंगे कि सोनिया गांधी डिसाइड करेंगी या फिर अपना कुछ पेज बीच में डाल देंगे, तो वो उन्होंने किया। तो इस तरह से उनका थोड़ा सा भरोसा हट गया। और एक थ्योरी ये भी है कि कल एके एंटनी साहब आ रहे हैं, थोड़ा सा ढिंडोरा पीटेंगे कि चलो कोई और नहीं तो सोनिया गांधी बनेगी इंटरिम, और फिर चुनाव के बाद गुजरात हिमाचल चुनाव के बाद राहुल गांधी आएंगे। तो ये सब चल रहे हैं अभी अटकने, लेकिन कांग्रेस तो कुछ पता नहीं है एंड तक क्या होगा, जब तक पर्चा नहीं भरेगा तो फिर किसी को पता नहीं आगे क्या होगा।